ವಂದೇ ಆತ್ಮ ಶ್ರೀಮುಸ್ತ ಭಕ್ತಮಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸತ್ಯ ಜಾತಂ ಸಂತಂ ಧರ್ಮ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾರೂಪಂ ಪರಿಜನ ಸಂತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ ಸರಸಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನಿತ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿರುರಾಮ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಸಲಹಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ರಾಮಚೈವಾಯ ಧೀಮತೇ ಸಮಮೂರ್ತಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಪ್ರಭವ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮನೆ ನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಆತ್ಮನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಂಗ ರುಗಿಣಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಶವ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಭಾರಿ ಸಭಾನಿ ವಿದೇವಿ ದೈಹಾಯ ಕೃಪಾದಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವಿ ನಮ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾಣಿ ನಮೋ ಗೌರವೀಶ್ವರಾಯ ದಶಾಭಯ ವಿಪ್ರಲಂಬೇ ನಮ ನಾಮ ಭಕ್ತಿ ವಿನದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾಮಿನಿ ಗೌರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ಪಾಯಂ ಗೌರಾಯ ಗೌರಾಯ ಮಾನಸ್ತಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ಸದನವ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತ್ರಿ ನಮಃ ಆಚಾರ ಕೃಪದುರ್ವಶ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭೈವಶ ಸಚಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಭಾರತ
Thank you.
Yeah.
Thank you.
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय हैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे मेरे गुरु जी की उपदेश है। उपदेश है क्या उपदेश है? पिछले ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है और इसी जीवन में जो सद्गुरु जो प्राप्त है बड़े भाग्यवान जीवन को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? अगर निष्कपट रूप से भगवान की चरण में अगर हम शरणागत हो तो भगवत इच्छा से हमें ये सद्गुरु की प्राप्त होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हम सद्गुरु जी को ठग नहीं सकते। अगर ऊपर का हाव भाव क्रिया दिखा करके अगर हम सोचे कि हम गुरु जी को ठग लेंगे हम ठग नहीं सकते। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाए, अगर कोई लोहे में कोई अस्त्र बनाना चाहते हैं, जो कमार होता है जो लोहे में अस्त्र बनाता है, अगर कोई सोचे हम तो ये लोहार को हम ठग लेंगे, बोले क्यों? बोले कंधा को लोहा दे देंगे, उसको लोहे देने पर फिर उसने एक अस्त्र बनाता है। अगर कोई सोचे उसको हम एक गंधा अच्छे नहीं गंधा कोई लोहा दे दूंगा बांस ठग जाएगा, लेकिन वो ठगेगा ना हम ठग जाएंगे, कहते हम ठग जाएंगे, क्योंकि जैसे लोहा को भी वस्त्र वैसे ही बनेगा। अगर बढ़िया लोहा देंगे बढ़िया अस्त्र बनेगा, अगर घटिया लोहा देंगे फिर घटिया अस्त्र बनेगा। हैं आप घटिया वो तो बना देगा, मजदूर को पूरा के पूरा ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो अस्त्र बनेगी ना वो अस्त्र तुम्हारी सही नहीं बने। इसलिए हम लोहार को जैसे ठग नहीं सकते हैं, उसी तरह कहते गुरु जी को भी कुछ हाव भाव इधर उधर दिखा करके कोई सोचे हम तो गुरु जी को ठग लेंगे, कहते नहीं गुरु जी को ठगा नहीं तुम स्वयं ठग गए, तुम स्वयं ठग गए। तब गुरु जी कहते हैं कहते भगवत भक्ति जगत में जो गुरु निष्ठा है ये भक्ति का मूल रीत, जिसको जितना गुरु जी की चरण में निष्ठा होगी उसको उतना ही भक्ति जगत उसकी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए भले जो शिष्य है कहते वो चार तरह के, कितने तरह के? कहते वो चार तरह के। कहते एक शिष्य ऐसे है जो कि भावना को समझ करके सेवा करे। भावना मतलब है जैसे देखो जैसे तुम्हारी पति कहीं दूर में जा रहे हैं, अभी पत्नी ने कहा देखो ये ठंडी पड़ रही है एक साल लेकर के जाओ, ठंडी पड़ेगा तो उसको ओढ़ लेना और थोड़ी सी खाना भी ले जाओ,
क्योंकि अगर कभी खाना नहीं मिले जो पता नहीं भूख लगे तो खाना खा ले। पति कहता है बोले नहीं मैं तो अभी जाऊंगा अभी वापस आ जाऊंगा अभी जाकर वापस में आ जाऊंगा इसलिए कोई चिंता नहीं। पत्नी कहती है अगर देर किस कारण से हो गई तो इसलिए थोड़ा खाना ले जाओ। लेकिन वो मना करने पर भी पत्नी उसको एक बैग में एक साल और टिफिन में उसको रोटी सब्जी प्याज दे देती है। पति तो मना कर रहे हैं भैया मैं तो अभी जाऊंगा अभी काम करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन पत्नी क्या की जोर जबरदस्त उसको पैकिंग करके दे दी। आप बताओ पति खुश हो गए ना नाराज होगा खुश हो गए बताओ खुश हो गए ना नाराज क्यों वो तो मना कर रहा है ये नहीं हम तो जाऊंगा काम करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन पति खुश हो गया बोले देखो मेरी पत्नी मुझे इतना प्रेम करती मैंने मना करने पर भी उसने किया थी साल और हमने हमारे लिए पैकिंग करके हमें खाना दे। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो सेवक है ये पहला नंबर सेवक है सबसे इसको श्रेष्ठ सेवक मानी जाती है। मना करने पर भी हाँ जो सेवा की भावना से और कोई भावना नहीं सेवा की भावना से जो गुरु जी की सेवा करते हैं तृतीय नंबर वन सेवक। बोले दूसरे नंबर सेवक कौन है बोले जो गुरु जी की इच्छा जान करके बोलने से पहले इच्छाओं को जान करके जो सेवा कर ले करिए दूसरे नंबर का सेवक है। बोले तीसरे नंबर का सेवक कौन है कहते गुरु जी कोई बात को आदेश देने पर वो आदेश मांग करके जो सेवा को कर लेते हैं कहते ये कनिष्ठ सेवक है। लेकिन अधम सेवक कौन है बोले गुरुदेव आदेश देने पर भी है जो पालन नहीं करे इसलिए सेवक से हटा दो क्या रह जाएगा वक 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 मतलब बगुला कहते वो बगुला सेवक है वो बगुला सेवक है। और एक सेवक है बोले भौरा के सेवक मधुमती मतलब अगर गुरु जी कहते बेटा हम बचा का पर जाओ जा करके ये काम को करके आना देखा ले करके हमें कहेगा गुरु जी अगर गए नहीं तो फिर क्या करेंगे बोले मिलेंगे तो कोई बात नहीं जा लेकिन जा करके वो काम को ले करके आ जाओ। बोले गुरुदेव अगर गए देखा वो है नहीं तो अगर और कोई काम करना है तो हम कोई आ जाए तो जैसे भौरा है ना मधुमक्खी जैसे गुनगुन करता है अगर गुरुदेव कोई आदेश दे जो आदेश को पालन नहीं करते हुए ऐसा होगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा भेज चला गया तो क्या होगा नहीं तो ऐसा कहती ये कौन सा सेवक है कहती ये ब्राह्मण जैसे सेवक है मधुमक्खी जैसे। और एक होता है बाण मतलब जैसे तीर मारना छुपता है गुरु जी ने कोई आदेश दिया अभी आदेश दे रहे हैं पूरा बोले नहीं किसलिए क्यों जाओगे वो आधा बोले नहीं भाग गए हाथ करके थोड़ी दूर जा करके देखा अरे गुरु जी तो क्या बोले हम तो पूरा सुने ही नहीं है वो बात तो सुने फिर वहां से वापस आ जाते हैं वहां से वापस आ जाते इसलिए ऐसे नहीं इसलिए गुरुदेव आदेश करते हैं वो आदेश को पालन करते हुए अपना जीवन में इसको उतारनी चाहिए ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जिसको जितने गुरु जी की प्रति जितने जिसकी निष्ठा है इसलिए बोले जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता जगता प्रकाशन्ते महात्मा मतलब है जैसे ठाकुर जी के प्रति हमारी भक्ति निष्ठा है उसी तरह हमारी श्री गुरु जी का प्रति भी वैसी भक्ति निष्ठा होनी चाहिए तभी हृदय में ये सारे ग्रंथ शास्त्र हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए कहते ये एक भक्त कहते इनसे भी हाँ जितने ठाकुर का प्रति उतना गुरु जी का प्रति लेकिन जो
ठाकुर जी से भी जितने प्रीति उससे गुरु जी की प्रति ज्यादा है, कहते वो तो और श्रेष्ठ भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। लेकिन जिनको गुरु जी का प्रति जितने ठाकुर जी का प्रति उससे ज्यादा भक्ति, ठाकुर जी का प्रति गुरु जी से भी ज्यादा भक्ति, कभी ये कौन सा भक्त है, कभी ये कनिष्ठ भक्त है। बोले अर्चया मेव हरये जपुजाम श्रद्धयते न तद भक्ते सुचाने सु सभक्त प्राकृत स्मृत। मतलब है ठाकुर जी सबको बड़े आदर देते हैं, ठाकुर जी को सम्मान देते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, लेकिन उससे गुरु जी को उससे और नीचे है, उससे भी नीचे गुरु जी की भावना को गुरु जी का सेवा करते करते वो कनिष्ठ भक्त है। इसलिए कहते गुरु जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, कहते उदालक, कहते उदालक उदाहरण देते उदालक, नाम सुना है उदालक का। इसलिए एक समय पहले खेती हुआ करता था, बारिश ही हो रही है, गुरु जी ने कहा देख बेटा जहाँ बारिश ही हो रही है जो मेड़ है ना बह नहीं जाए, बह करके अगर पानी चली जाएगी मेरे खेती में जो धान है गेहूं खेती में नहीं होगी, इसलिए बेटा चार खेती को अभी वो गया देखा तो बारिश ही हो रही है लेकिन पानी सबके सब खेती से बाहर गया। उन्होंने बहुत कोशिश की पानी को रोकने के लिए, बेड बना करके उसको रोकने के लिए, लेकिन रोक ही नहीं, जब रुक ही नहीं तो क्या करनी चाहिए, ये तो सारे पानी चली जाएगी तो खेती नहीं होगा। तो उसने पूरा मेड़ जो है ना पूरा वहां लेट गया, जो पूरा लेट गया पानी को पूरा रोक लिया। गुरु जी ने देखा वो गया उधर नहीं आया, तो गुरु जी ढूंढते ढूंढता है आकर के देखा उसने पूरा पेड़ है ना पूरा वहां लेट गया, जैसे पानी बहुत कोशिश किया पानी रोकने के लिए लेकिन जब रुके नहीं पूरा पूरा वहां पर लेट गया। और बारिश हो रही है ठंडक पड़ रही है लेकिन शरीर कांप रहे, लेकिन जैसे जैसे लेटा हुआ इतने में गुरु जी आए। गुरु जी आकर के देख करके ना उसकी सेवा की भावना को देख करके गुरु जी संतुष्ट हो गए और उसको आशीर्वाद दिया, बेटा जा तेरे हृदय में भगवान की भक्ति मिले, तेरे को हृदय में भगवान की तो प्रेम प्राप्त हो। यदि ये एक सेवक है, बोले दूसरा सेवक कौन है, बोले उपमन। कदि उपमन जब गुरु जी को पास में शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करने के लिए आए हैं, आए तब गुरु जी ने आदेश दिया, नियम है कब हमको खाना खानी चाहिए, नियम है कभी भी गुरु जी की ऋणी हमें नहीं रहनी चाहिए, कभी गुरु जी के चरण में हमें ऋणी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। बोले ब्रह्मचारियों का क्या कर्तव्य है, बोले प्रत्यह भिक्षा में जाए, प्रत्यह जैसे बाहर भिक्षा में जाए, और उतना भिक्षा करे कम से कम अपना भी होनी चाहिए और गुरु जी की होनी चाहिए। रोज उनकी भिक्षा जाने का नियम है ब्रह्मचारियों को, रोज बाहर में, और भिक्षा लब्ध वस्तु लाकर गुरु जी को देनी चाहिए। फिर ठाकुर जी की सेवा करते हुए जब गुरु जी आदेश हमें दे प्रसाद पाने के लिए तभी प्रसाद पाना चाहिए। अभी गुरु जी ने कहा देख बेटा जा गया चरण, अभी गया चराने के लिए गए हैं, गया चराने के लिए गए लेकिन देखा उसका शरीर तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तेरे को खाने के लिए बताया नहीं लेकिन तेरा शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है। बोले गुरु जी गया का मैं थोड़ा बहुत दूध पी लेता हूँ। गुरु जी ने कहा देख बेटा वो दूध तुम्हारे लिए नहीं, दूध बछड़े के लिए, ये खबरदार दूध नहीं पीना, बंद कर दिया दूध पीना। तब भी गुरुदेव देखा उसको शरीर बड़े हृष्ट पुष्ट है, बोले क्यों बेटा तेरे को दूध पीने के लिए मना किया था तब भी तेरे शरीर ये हृष्ट पुष्ट कैसे। बोले गुरु जी जब बछड़े दूध पीते है ना देखना दोनों धार से झाग बनता है, दोनों धार से झाग बनता है। बोले गुरुदेव वो झाग को मैं खा लेता हूँ, बोले खबरदार वो दूध
बछड़े के लिए तुम्हारे लिए नहीं, तुम बिना इसको लेना नहीं, इसलिए बछड़े तेरे लिए जान बुझ कर को ज्यादा झांट बनाते हैं, इसलिए उसका पेट नहीं बनता है। अभी उसको भी उसने बंद कर दिया गुरु जी के आदेश ने। अभी पेट में बड़ी तेजी भूख लगी, अभी भूख लगे तो खाए क्या, जो आकंद का पेड़ देखे, अब आकंद का पेड़ का तोड़ो ना, उसके अंदर से दूध जैसे निकलता है, दूध जैसे सफेद वो जहर है, वो जहर है। अब उसने उसको बड़ा जो भूख लगा उसको ही खा लिया, खा लिया तो उसका आंख अंधा हो गया, अंधा हो गया तो उसने इतने में कुएं में गिर पड़ा। गुरु जी ने देखा शाम हो गया, अभी ये उपमन्यु आ ही नहीं रहा है, हैं? उपमन्यु आ ही नहीं रहा है। गुरु जी ने ढूंढते ढूंढते गुरु जी आए, बोले उपमन्यु तुम कहाँ हो? बोले गुरु जी हम ये कुएं में गिर पड़ा, मेरी आंख अंधा हो गई, मैंने आकंद का जूस पी लिया, इसलिए गुरुदेव में कुएं में पड़ा हुआ। तब गुरुदेव आए और उसको कुएं से गुरुदेव निकाल करके गुरु जी उसको जो आंख चली गई थी, गुरुदेव ने उसको आंख में जो हाथ फेंक दिया ना, फिर आग दिव्य चक्र आ गया, उसकी दिव्य चक्र फिर आ गया, फिर गुरु जी उसको आशीर्वाद दिया और उसको देख बेटा तेरे हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद, तेरे हृदय में ये सब के सब स्फूर्ति प्राप्त हो जाए, हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए। यदि ये दूसरे नंबर के सेवक है, ये दूसरे नंबर बोले बोले भैया और सेवक कौन है, कहते श्री कृष्ण और श्री सुदामा। जब ये दोनों गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए, गुरुदेव माता ने बोले देख बच्चों जाओ जंगल से लकड़ी पिट कर लाओ, क्योंकि पहले सब कुछ खाना लकड़ी से बनती थी। अभी कृष्ण सुदामा गए लकड़ी बीनने के लिए जंगल में, और लकड़ी को उन्होंने एक कट्ठे करके एक कटली बांधे। देखो भगवान स्वयं कैसे गुरु जी की सेवा करते, ठाकुर तो इच्छा करने पर एक इशारा करे ना विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन गुरु जी की सेवा करने के लिए कैसे यहाँ पर श्री भगवान सेवा करें। अभी कटली को लेकर के खड़े हुए सुदामा और कृष्ण, इतने में घनाघोर बारिश आई, मूसलाधार से बारिश, आंधी तूफान और पानी 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 होते होते चारों तरफ में पानी पानी भर गया, लेकिन लकड़ी का जो गठली है ना उन्होंने सर से नीचे उन्होंने नहीं उतारे, वो गठली को लेकर के उन्होंने खड़े रहे और शरीर कांप रहा है। शाम हो गई, इतने में शांति बनी मुनि ने देखा भैया ये गए कहाँ, ये गए कहाँ, अभी तक वापस नहीं आए। इतने में गुरुदेव जब देखा रात हो गई, उतने हरकिन लेकर, हरकिन समझते हो लंठन, तो क्या बोलते लाठी लेकर के आए, आ करके ढूंढ रहे भैया गए कहाँ। बोले कृष्णा सुदामा तुम दोनों कहाँ हो? बोले गुरु जी हम यहाँ पर हैं। बोले वहां क्या कर रहे हो? देखा दोनों गले तक पानी में खड़े हुए, लेकिन लकड़ी का जो भोजा है ना नीचे नहीं गिरा है, ठाकुर जी के लिए खाना कैसे बनेगा, ठाकुर जी के लिए प्रसाद कैसे बनेगी, इसलिए कटली लेकर के दोनों खड़े। इतने में ही जब गुरु जी ने इनकी सेवा चेष्टाओं को देखे, गुरु जी प्रसन्न हो गए और दोनों का हाथ पर, दोनों का सर पर हाथ रख करके दोनों का आशीर्वाद दिया। बोले बेटे गुरु सेवा के लिए इतने कष्ट किए, जाओ तुम्हारे हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद सब के सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाए, तुम्हारे हृदय में सारे स्फूर्ति हो जाए। बस गुरु जी की आशीर्वाद मिलते ही इनके हृदय में सब कुछ वेद उपनिषद पूरा स्फूर्ति प्राप्त हो गया और उन्होंने ऐसे भक्त बने। देखो अभी भी हम इनकी कथा सुनते हैं, भागवत में इनकी कथा सुनते हैं, इसलिए कृष्ण
ये बात कह रहे हैं सुदामा जी को। जब सुदामा जी कृष्ण दर्शन करने के लिए द्वारका पहुंचे, जिस पलंग को ऊपर में लक्ष्मी को लेकर के प्रभु विश्राम करते हैं, उसी पलंग को ऊपर बैठ करके कृष्ण सुदामा चर्चा कर रहे हैं। बोले हे सुदामा, बोले ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमनिवा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यजता। भगवान कहते हैं सुदामा, मैं गुरु जी की सेवा को द्वारा जितने संतुष्ट रहता हूँ, हैं कद इज्जा पूजा पाठ व्रत को द्वारा उतना संतुष्ट में नहीं होता हूँ, गुरु सेवा से जितने में संतुष्ट हो जाता हूँ गुरु सेवा से, हैं। इसलिए इन लोगों ने गुरुदेव की सेवा करते हुए इन लोगों ने आदर्श रख करके गए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। तब हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, इन्होंने कैसे गुरु जी की सेवा की? जब उन्होंने गुरु बनाने के लिए वृंदावन में ढूंढ रहे थे, उन्होंने सुना एक श्री लोकनाथ दास गोस्वामी बड़े सिद्ध महात्मा है, हाँ, हर समय प्रभु की भजन में ये मस्त रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। तब उनको गुरु बनाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्रतिज्ञा की मैं कभी जीवन में गुरु कभी नहीं बनूंगा, कभी चेला में नहीं बनाऊंगा। लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपना हृदय में उन्होंने सोच लिया मैं गुरु बनाऊंगा, तो यही बाबा को मैं गुरु बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की हम कभी शिष्य बनाएंगे। उन्होंने देखा अरे गुरु जी को संतुष्ट कैसे करें, बोले केवल गुरु जी की सेवा करते हुए भी संतुष्ट की जाती है। तो उन्हें सेवा ढूंढे, कोई सेवा की जरूरत नहीं, क्यों कहीं जाते हैं तो माधुरी करके बस एक दो रोटी ले आए, तो चून ले आए, टिकिया बना कर ठाकुर को भोग लगाए और खा लिए और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, और दिन रात भगवान की भजन करते तो उनको किस चीज की जरूरत है। इसलिए बोले भैया फिर हम सेवा क्या करें, कौन सा सेवा करें। इसलिए उन्होंने ढूंढ लिया सेवा, गुरु जी की सेवा को उसने ढूंढ लिया, गुरु सेवा को। बोले कैसे सेवा करेंगे, बोले जहाँ वो शौच क्रिया करने जाते हैं, पैखाना करने जाते हैं, वहां उसको एक साफ कर, और गुरु जी की शौच क्रिया के बाद उन्हें आकर के वो स्थान को रोज परिष्कार साफ सुथरा रोज कर देते हैं, और अच्छी तरह साफ सुथरा कर देते हैं। गुरु जी रोज वहीं पर जाते हैं, पहले तो जंगल में जाते थे, गुरुदेव जाकर के देखा अरे ये जगह साफ सुथरा कैसे, एक दिन ही देखा, दो दिन में भी देखा एकदम साफ सुथरा एकदम क्लियर है। बोले भैया पहला दिन का जो मेरे पैखाना करे कहाँ जाता है, साफ सुथरा कौन कर रहा है। बोले हो ना हो हम किसकी चरण में अपराधी तो नहीं बन रहा है, अगर मेरे कोई सेवा करेगा ऐसे पैखाना सेवा करेगा फिर तो उनकी चरण में मैं ऋणी बन जाऊंगा ना, चरण में ऋणी बन जाऊंगा। एक दिन उन्होंने देखा वो सेवा को, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ जो राजा घर का बेटा, साधारण घर का नहीं, वो राजा घर का बेटा होकर के गुरु जी की पैखाना की सेवा कर रहा था। इतने में उनका हाथ पकड़ लिया, छुप करके देख लिया, बोले बेटा तू ऐसे मेरी मेरे को अपराध क्यों बना रहे हो। बोले गुरुदेव आपको मैं अपना मन मन में आपका हमने गुरु मान लिया है, अभी आप मेरे को शिक्षा मंत्र नहीं देंगे, लेकिन मैं तो आपको अपना हृदय में गुरु रूप में मैंने बैठा चुका हूँ, इसलिए मैं सेवा करता हूँ गुरुदेव, मेरे ऊपर में आप कृपा करो, हैं संत बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं संत। तो उन्होंने उनको फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर उनको दीक्षा मंत्र उन्होंने प्रदान किया, दीक्षा मंत्र प्रदान किया। इसलिए ये कदी गुरु सेवा की इन लोगों ने आदर्श दिखाया। कदी श्री जीव गोस्वामी भी अपना रूप गोस्वामी को सेवा किया, नरोत्तम श्यामानंद श्री श्रीवास ये लोग भी गुरु जी की सेवा किया। कहते हैं सेवा दो तरह का है,
करते एक है पानी सेवा और एक है बापू सेवा, एक है पानी सेवा एक है बापू सेवा है। इसलिए कहते बापू सेवा मतलब होता है शरीर की सेवा, जैसे हमारे श्री माधवेंद्रपुरी हैं, कहते श्री माधवेंद्रपुरी की जैसे शिष्य श्री ईश्वरपुरी पाद हुए, जो माधवेंद्रपुरी अंतिम सज्जा में दिन रात कृष्ण गृह में हा कृष्ण करते थे, उसी समय में श्री ईश्वरपुरी पाद भी गुरुदेव की बड़ी उन्होंने सेवा की है, गुरुदेव को उन्होंने बड़ी सेवा की, गुरुदेव को अपना हाथों से उनको पायखाना पेशाब साफ करना, गुरु जी को स्नान कराना, गुरु जी को कपड़ा पहनाना, उन्होंने बड़ी सेवा की, इतने गुरु जी की सेवा की और उनके भाव के अनुरूप बैठ करके भजन सुनाना, उनको भक्ति की भजन सुनाना, जब गुरु जी को इतने सेवा की और गुरुदेव जाते समय उनको आशीर्वाद और आशीर्वाद दिया तो गुरु जी की कृपा से जितने सारे भक्ति शक्ति सब इनके हृदय में संचार हो, सब उनको प्रेम के भंडार देने लगे और ऐसे उनकी कृपा की और जिनका शिष्य कौन बना है जानते हो, ईश्वर पुरी पाद का शिष्य कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, और उन्होंने कितने गुरु जी की सेवा किया, साक्षात भगवान जिनकी शिष्य बने, ठाकुर जी जिनकी शिष्य ठाकुर जी बने, शिक्षा देते हैं, अगर गुरु जी की सेवा अगर हम सही सही करते हैं, गुरु जी की संतुष्ट करते हैं, फिर क्या होता है भगवान भी जिनकी प्रेम में भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहते उन्होंने शरीर की उन्होंने सेवा किया, कर दूसरी सेवा भी होती है बापू सेवा बाणी सेवा, बोले बाणी सेवा मतलब कहते उनकी भावना को समझते हुए उनकी कथाओं को प्रचार करना, उनकी उपदेश को अपना जीवन में उतार करके भगवान की जो कथा बाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करना, भगवत कथा को जो सारा दुनिया में भगवत कथा को जो प्रचार करते हैं, कहते जैसे श्री रूप गोस्वामी है, शिष्य श्री जीव गोस्वामी हुए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, इन्होंने क्या किया, ये तीनों को उन्होंने जगत में भगवान की भक्ति प्रचार करने के लिए तीनों को उन्होंने लगाया और ये तीनों ने सारा दुनिया में महाप्रभु का जो वाणी महाप्रभु जो व्यासे है भगवान की कथा को उन्होंने सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार किया, प्रचार करके लाख लाख जीवों को उन्होंने भगवान की भक्ति में उन्होंने भगवान की भक्ति में उन्होंने लगाया, गुरु जी की हृदय की भावना को समझते हुए है। इसलिए बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सो पदार्थिकम्। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो महाप्रभु जो इच्छा है महाप्रभु जो भावना को समझते हुए श्री रघु गोस्वामी इन्होंने दिव्य दिव्य ग्रंथों को रचना करते हुए है, उज्जवल निर्मणि कहते श्री लघु भागवतामृतम और पद्यावली स्तवावली उतने दिव्य दिव्य उन्होंने ग्रंथों को रचना करते हुए उन्होंने महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहते जिसको जितने गुरु जी के चरण में निष्ठा है भक्ति है उसको उतना ही भगवत भक्ति जगत में उसको उतना ही प्रवेश है। इसलिए हमें गुरु जी के चरण में निष्ठा, इसलिए कहते हैं गुरुपाद पद में जान रहे भक्ति निष्ठा, जिसकी गुरु जी के चरण में भक्ति निष्ठा रहती है जगत तारित से वहां धरे मा शक्ति, वही व्यक्ति ये जगत को उद्धार करने में उन्होंने शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा बोल जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसलिए सब जाओ घर में सेवा विवाह सपन करके घर आ जाना, ठीक है ना। बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।